हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद और आप देख रहे हैं टेक शाहिद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप भी किसी भी पीडीएफ को अनलॉक या लॉक करना चाहते हैं तो वह कैसे करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे हम अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ईशान पीडीएफ मैनेजर। यहाँ पे सिंपली आपको सर्च कर लेना है। देख सकते हैं मैं इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ और आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। दोस्तों, ये ईशान सर का बनाया हुआ एप्लीकेशन है, बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन है। दोस्तों, इसको हम सिंपली सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा इस एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, आप इसे किसी इमेज को भी पीडीएफ कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को भी पीडीएफ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम आपको बताएंगे किसी भी पीडीएफ को आप अनलॉक या लॉक कैसे करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं एक्सटेंड क्रिएटेड पीडीएफ वाले जो ऑप्शन है, यहाँ पर ऐड पासवर्ड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ एड्स आएगा, इसको आपको क्लोज कर देना है और यहाँ पर सेलेक्ट फाइल का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से अपना कोई भी पीडीएफ एक सिलेक्ट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, हम अपना एक पीडीएफ सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैंने पीडीएफ को सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे सिंपली हम इसे क्रिएट पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपना कोई भी एक पासवर्ड डाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पासवर्ड को इंटर कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ जो है क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे व्यू वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे पीडीएफ पे इसको हम ओपन करेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका वो पासवर्ड मांग रहा है जो आपने यहाँ पे पासवर्ड दिया है। मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये मेरा जो है इस पर पासवर्ड लग चुका है। अब दोस्तों, इसे इस पासवर्ड को अनलॉक करके हमें किसी के पास भेजना है तो वो कैसे करेंगे। तो यहाँ से सिंपली हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद दोस्तों फिर से हम यहाँ पे एक बार और बैक जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, रिमूव पासवर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करेंगे। कुछ एड्स आएंगे, इसको हम रिमूव कर देते हैं। फिर से सेलेक्ट फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों फिर से हम वो वाला जो जिस पे हम पासवर्ड लगाए थे उसको हम ले लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, इस वाले पीडीएफ को मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से क्रिएट पीडीएफ वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो आपका पुराना पासवर्ड है इसको आपको एंटर कर देना है। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और उसके बाद देख सकते हैं ये जो पीडीएफ है क्रिएट हो गया है। ओपन वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये अनलॉक हो चुका है। दोस्तों, आप इसे किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं, ये पासवर्ड नहीं मांगेगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई अगली वीडियो में।